नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन IPU सेट एंड DU जेट। आज हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे, देन इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे उनके डिफिकल्टी लेवल को, एग्जाम पैटर्न को और भी काफ़ी सारी चीज़ों को। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप BBA BMS वगैरह करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, आप सभी को आई होप पता ही होगा कि अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप DU जेट नहीं दे सकते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA BMS और BBE नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट है तो आप IPU यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर फिल कर सकते हैं। IPU यूनिवर्सिटी के अंदर आप BBA भी कर सकते हो और BCom ऑनर्स भी कर सकते हो, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना ही आप BBA कर सकते हो और ना ही आप BCom ऑनर्स कर सकते हो अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो। लेकिन IPU के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है IPU यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो देखो यहां पर IPU यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है वो होने चाहिए 50% कम से कम, तब आप एलिजिबल हैं। एंड अगर मैं DU जेट की बात करूं तो वहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 60% मार्क्स की बेस्ट ऑफ फोर के अंदर। आई होप आप सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट ऑफ फोर का क्या सीन है, कि अगर आप DU जेट देना चाहते हो 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होनी चाहिए और बेस्ट ऑफ फोर के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करने कंपलसरी है और दोनों को मिला करके, मतलब चारों को मिला करके आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए बेस्ट ऑफ फोर के अंदर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ DU जेट की, तो बेसिकली अगर मैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो क्राइस्ट है, सिम्बायसिस है या फिर इपमेट जिपमेट ही क्यों ना हो गया, तो अगर मैं सभी से कंपेयर करूँ तो DU जेट का जो एग्जाम पैटर्न होता है, DU जेट का सिलेबस होता है, वो सबसे लेंदी सिलेबस होता है। उसके अंदर आपको GK, वर्बल, LRDI, क्वांट्स के अंदर हायर मैथ्स सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात करूं यही दूसरी तरफ IPU सेट की, तो IPU सेट के अंदर बेसिकली आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो नहीं होता, नहीं आपका क्वांट्स आता 10th क्लास तक का और नहीं आपका हायर मैथ्स, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बेसिकली आपको जो IPU सेट के अंदर BBA के अंदर पढ़ना पड़ता है वो है GK, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड टू मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं आपके BCom ऑनर्स की IPU यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसका सिलेबस होता है GK, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस समहाउ सिमिलर ही है, बस DU जेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, जो पूरे इंडिया के अंदर जिस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम है उसी तरह से चलता है, लेकिन जो IPU यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व होती हैं IPU यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का चीज़ है, और जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15% सीट्स होती हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अब देखो अगर मैं सीट्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है DU जेट के अंदर, तो DU जेट के थ्रू आप 14 या 15 कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो जो BBA, BMS और BBE करवाते हैं। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1150 सीट्स मिलती हैं। अगर मैं दूसरी तरफ IPU सेट की बात करूँ तो IPU सेट के अंदर देखो बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब 20 या 25 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने सुना है कि 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर एडमिशन होना आसान होता है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि IPU यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप टारगेट करो सिर्फ टॉप 5 कॉलेजेस को। तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो यही है कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं दोनों के। और देखो इसके अंदर एक सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है कि हम लोग दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं DU जेट की भी एंड IPU सेट की भी। सो अगर आप DU जेट दे रहे हो, IPU सेट दे रहे हो, तो आप लोग इस WhatsApp नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, एक टाइम टेबल मिलता है किस तरह से रोज़ पढ़ाई करनी है। तो इस तरह का सारा कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो WhatsApp पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको WhatsApp पर डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, और आपके पास यही टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है उसकी। तो नेक्स्ट जो है वो है प्लेसमेंट किस तरह की है। अगर आप DU जेट दे रहे हो जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे, अगर आप IPU सेट दे रहे हो जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे, तो देखो अगर मैं DU जेट की बात करूँ टॉप 5 कॉलेजेस की और IPU सेट की बात करूँ टॉप 5 कॉलेजेस की, मैं सभी की बात नहीं कर रहा क्योंकि IPU यूनिवर्सिटी जो है उसके टॉप 5 के बाद जो कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, 2 LPA या फिर 3 LPA ही है। और मैं DU जेट की बात करूँ तो DU जेट में 70% जो कॉलेजेस हैं उनकी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, बाकी जो एक दो कॉलेजेस बच जाते हैं उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं आपके DU की, तो देखो सबसे बेस्ट कॉलेज शहीद सुखदेव है, उसके बाद केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, CVS, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BBE आप गार्गी कॉलेज से कर सकते हो, और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं, SGTB खालसा कॉलेज है।
तो अगर मैं उनकी बात करूं तो देखो यहां पर शहीद सुखदेव में तो हाईएस्ट पैकेज आपका 20 एलपी तक भी चला जाता है, एवरेज पैकेज आपका 7 एलपी के आसपास होता है। बाकी कॉलेजेस का डीयू के अंदर आप लगाकर चलो कि 8-9 एलपी हाईएस्ट तक चला जाता है और जो एवरेज पैकेज होता है वो 5-6 एलपी आपको मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं आईपीयू सेट की बात करूं, आप आईपीयू सेट से बीबीए कर रहे हो तो वहां पर फिर आपको देखो जो टॉप 4 या टॉप 5 कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपको हाईएस्ट पैकेज जो है 10 एलपी तक भी मिल जाता है और एवरेज पैकेज आपको 5 एलपी के आसपास मिल जाता है। अगर मैं दूसरी तरफ टॉप 5 के बाद वाले कॉलेजेस की बात करूं तो फिर उनका जो पैकेज है वो वही है 2 LPA 3 LPA, तो इस तरह का पैकेज आपको मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो देखो नो डाउट दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट है। डिफिकल्टी लेवल हम सिर्फ तब कंपेयर कर सकते हैं जब मान लीजिए कि एक ही एलिजिबिलिटी हो, दो स्टूडेंट सिमिलर एलिजिबिलिटी के दोनों एंट्रेंसेस दे रहे हैं, तब हम डिफिकल्टी लेवल को मतलब कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो नो डाउट जो डी यू जेट है उसके अंदर हायर मैथ्स आता है 12th क्लास तक का, तो वो स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो तो दे ही नहीं सकते, तो वो जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आईपी के कंपैरिजन में। और सीट्स भी एक फैक्टर होता है डिफिकल्टी लेवल के अंदर, तो सीट्स जो है वो भी डीयूजेट के अंदर कम है, आईपीयू सेट के अंदर आपकी सीट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है डीयूजेट के कंपैरिजन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफिकल्ट जो है वो डीयूजेट थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगेन हमारे कोर्स की, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो चुकी है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डी यू जेट की या फिर आई पी यू सेट की, तो आपको एक परफेक्ट क्रैश कोर्स मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल चार्जेस के साथ। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। आपको डेमो वीडियोज़ पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।